दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील बिजला आप सबको अपने YouTube चैनल अतुल्य अकादमी पर स्वागत करता हूं, साथ ही मोबाइल ऐप अतुल्य अकादमी बाय डॉक्टर सुनील बिजला पर स्वागत करता हूं। मित्रों, आज UGC नेट का पाठ्यक्रम मेरे हाथ पे है। कारण अब आज गुफ्तगू करने आया हूं कि वास्तव में UGC नेट में मैं जो पाठ्यक्रम दिया गया है आपकी कितनी मदद कर सकता हूं और कितने बेहतर से कर सकता हूं, उन सबको बताने आया। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इकाई एक की बात करते हैं। इकाई एक, हम इकाई एक की अगर बात करें तो हिंदी की सबसे पहले आपसे पूछा है कि हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। पृष्ठभूमि क्या है, हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को इसने दर्शाने के लिए कहा है, जिसमें सबसे प्राचीन आर्य भाषा की बात कर रही है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का उद्भव कैसे हुआ, हम लोग लेखन कला में कैसे विकसित हुए, लेखन क्या पहले भाषा क्या लिखित रूप में थी या फिर मौखिक थी, अगर मौखिक थी तो किस रूप में थी, या सांकेतिक थी, या चिन्हों का प्रयोग होता था, या चित्रों का आकृति का प्रयोग होता था, इन सभी चीजों का मूल्यांकन हम इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। प्राचीन आर्य भाषा या प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं के अतिरिक्त हम आप तुरंत देखेंगे, इसमें दिया भी है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, भारतीय आर्य भाषा। हम ये देखेंगे कि मध्यकालीन जब भारतीयों में, भारत उस समय मध्यकालीन भाषा का जब उद्भव हो रहा था, उस समय भारत कई विशेष धर्म संप्रदाय आदि से बिल्कुल परिचय हो रहा था। ध्यान दें, प्राचीन आर्य भाषा जैसे ही समाप्त होती है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का जैसे ही उद्भव होता है, इसके उद्भव होने के ठीक पहले हमारा हम भारतीयों का सामना सबसे पहले अगर देखें तो जैन धर्म से होता है। जैन धर्म के लोगों ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार कैसे किया, उन सभी चीजों का किस भाषा में किया, वो मूल्यांकन हम लोग करेंगे। इसके तुरंत बाद हमारे भारतीयों को एक और धर्म से दो चार होना पड़ता है, स्वागत होना पड़ता है, मिलाव होना होता है, वो है बौद्ध भाषा। बौद्ध भाषा किस प्रकार से अपने प्रचार प्रसार के लिए हिंदी भाषा के या इस भारतीय आर्य भाषा भारतीय आर्य भाषा का प्रयोग करती है, इन सभी चीजों का मूल्यांकन हम आप करेंगे। मित्रों, इन सब चीजों के अतिरिक्त इस्लाम से जब हमारा भारत परिचित होता है, हमारी संस्कृत और सभ्यता उससे प्रभावित होती है, तो किस प्रकार से भारतीय व आर्य भाषाओं पर प्रभाव पड़ता है, इस चीज को भी हम आप जानेंगे। अब इसके अतिरिक्त अगर हम देखें, क्योंकि कारण है कि हमको इसी मध्यकालीन भाषा में दिखाई पड़ता है पाली का स्वरूप, इसी में हमें आपको दिखाई पड़ता है प्राकृत का स्वरूप, और अगर हम देखें तो इसी में हमें दिखाई देता है अपभ्रंश का स्वरूप। किसका? अपभ्रंश का स्वरूप, और इसकी उत्तर अवस्था हमें यहीं पर दिखाई देती है, जिसे अवहट्ट कहा जाता है। तो ये सारी विशेषताएं जो हमें दिखाई देती हैं, इनका विधिवत मूल्यांकन होना चाहिए और यहां पर होगा भी। इसके साथ साथ अब अवहट्ट को ही भोला शंकर व्यास ने पुरानी हिंदी कहा है, तो हमें यहां पुरानी हिंदी, मित्रों हमें पुरानी हिंदी के संदर्भ में भी बात करनी है। पुरानी हिंदी क्या है, अवहट्ट से इसकी भिन्नता क्या थी, अपभ्रंश और हट्ट में क्या अंतर है, पुरानी हिंदी का वास्तविक स्वरूप क्या था, इन सारी चीजों का मूल्यांकन करने आ रहा हूं। इन सबों के अतिरिक्त अब हमको तीसरा पैटर्न जो दिखाई देता है, वो देता है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। अब इंपॉर्टेंट है, आधुनिक आर्य भाषाओं के आते आते भारत में हिंदी अपना रूप ग्रहण कर चुकी थी, और यहीं पर इसका वर्गीकरण मान लिया है, पूछ लिया है कि बताएंगे आप कैसे। अब हमको यहां पर सबसे पहले भौगोलिक विस्तार देखना होगा। क्या देखना होगा? भौगोलिक विस्तार, भौगोलिक विस्तार देखना होगा कि हिंदी का जो भौगोलिक विस्तार है वो कितना है और कहां तक है। इसमें फिर इसके बाद इसकी उपभाषाओं को बात किया है,
कि हिंदी की जितनी उपभाषा हैं उनका भी अध्ययन होना चाहिए। महत्वपूर्ण को इन्होंने इंगित किया है, जैसे बोला है कि पश्चिमी हिंदी। मित्रों, इस पश्चिमी हिंदी के अंदर के जो 5 बोलियां आती हैं, जैसे बांगरो, बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी और कौरवी, कौरवी को हिंदी कहते हैं। मित्रों, इन 5 का विश्लेषण, इन 5 का भौगोलिक विस्तार क्या था, किस प्रकार से था, इन सब चीजों को लेकर के आऊंगा कि वास्तव में कन्नौजी और कौरवी में मूलभूत अंतर क्या था, ब्रजभाषा क्या खड़ी बोली के सबसे नजदीक है, या ब्रजभाषा की भौगोलिक स्थिति कितनी थी और कितने जिलों तक थी। इन सभी चीजों, केवल ब्रजभाषा ही क्यों, उन 5 का मूल्यांकन करना होगा हमें, आपको जानना भी होगा। इसके अतिरिक्त अगर हम आगे बढ़ें तो आप पाते हैं कि पूर्वी हिंदी को भी इसने पूछ लिया है। जैसे कि पूर्वी हिंदी में आप जानते हैं कि 3 प्रकार की बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसमें कितनी ज्यादा जनसंख्या की कौन सी बोली सबसे ज्यादा जनसंख्या को प्रभावित करती है, किस बोली की अपनी साहित्यिक रचनाएं सर्वश्रेष्ठ और ज्यादा हैं, कितनी साहित्यिक मजबूती है किस बोली में, इन सभी चीज का मूल्यांकन हम आप करेंगे। इसके अतिरिक्त आप अगर देखें तो इंगित करता है, यह पाठ्यक्रम इंगित करता है कि राजस्थानी भी हमें जानना है। यानी राजस्थानी हिंदी की बात करें तो राजस्थानी हिंदी ही एक ऐसी हिंदी है जो गद्य की शुरुआत करता है सबसे प्राचीनतम रूप में। तो हम वो भी जानेंगे कि वास्तव में राजस्थानी हिंदी का विकास किस प्रकार से हुआ, राजस्थानी हिंदी में मेवाती क्या थी, मेवाड़ क्या थी, और अगर देखें तो आप देखेंगे मारवाड़ी क्या था, जयपुरी क्या था, इन सभी चीजों का वास्तविक मूल्यांकन करेंगे। जयपुरी से मारवाड़ी में क्या अंतर था, पूर्वी राजस्थानी क्या है और दक्षिणी राजस्थानी क्या है, इन सब की भौगोलिक सीमाओं को भी ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और इतना महत्वपूर्ण होने के साथ साथ इन सबों पर आधारित प्रश्न कैसे बनेंगे, उन प्रश्नों का मूल्यांकन भी होगा। मित्रों, ना केवल पीडीएफ दूंगा बल्कि इन सभी प्रश्नों का व्याख्यात्मक प्रस्तुतिकरण भी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। मित्रों, इसके अतिरिक्त देखें सबसे महत्वपूर्ण चीज, हिंदी चूंकि कई रूपों में हमारे सामने आती है, पहले इसको दक्षिणी कहा गया, फिर इसको अगर देखा जाए तो हिंदी भी कहा गया, आगे चलकर उर्दू और हिंदुस्तानी को लेकर के, तो इसके 4 स्वरूपों को लेकर के चर्चा यहां पर की है यूजीसी नेट ने कि हमें यह बताओ कि पहले जब यह हिंदी कही गई तो हिंदी का क्या वास्तविक रूप था, और इसके बाद उर्दू भारत में किस प्रकार से थी और इसके पक्ष में कौन कौन थे, इसके बाद ये दक्षिणी क्यों कही गई और कहां कही गई, इन सारी चीजों का ये मूल्यांकन जानना चाहते हैं। और हिंदुस्तानी के पक्ष में कौन थे, गिलक्राइस्ट के बारे में आप लोग जानते ही हैं, गिलक्राइस्ट महोदय हिंदुस्तानी के संदर्भ में बहुत ज्यादा लालच थी कि हिंदुस्तानी को भारत में स्थापित कर दें, इन सभी चीजों का मूल्यांकन होना बहुत जरूरी है। इन सभी भाषागत व्यवहारों को जान लेने के बाद सबसे महत्वपूर्ण जो सामने आ जाती है बात, वो आ जाती है क्या कि सबसे पहले आपसे यहां प्रश्न पूछा है सबसे महत्वपूर्ण कि हिंदी की स्वनिम, स्वनिम का मतलब ध्वनि होता है, हिंदी की स्वनिम। अब देखें हिंदी की जब स्वनिम की बात हो जाए तो ये चूंकि 2 प्रकार की होती है, एक को कहते हैं खंड्य और एक को कहते हैं खंड्योत्तर। क्या कहते हैं? खंड्योत्तर। तो मित्रों, खंडे और खंड्योत्तर स्वनिम क्या हैं, इन सभी चीजों का वास्तविक मूल्यांकन हम लेकर के आएंगे। इस पर प्रश्न कैसे बनता है, जब अभी प्रश्न पूछ लिया था यल्टी में तो सारे के सारे विद्यार्थी हस्तप्रद हो गए थे, लेकिन अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि मैं आप सबको ये सेवा देने के लिए उपस्थित हो। इसके साथ साथ हिंदी की ध्वनियों को वर्गीकरण पूछा है, हिंदी शब्द संरचना, उपसर्ग, प्रत्यय, जो कि बराबर पढ़ाता हूं फिर पढ़ाऊंगा, पूरा की पूरी क्लास में लगेगी, प्रत्यय, समास, हिंदी की रूप रचना, लिंग, वचन, कारक, व्यवस्था के संदर्भ में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, हिंदी में वाक्य रचना, हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप, बोली, मानक भाषा, बहुत महत्वपूर्ण है मानक भाषा क्या है, राजभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा तक का, संपर्क भाषा तक का सवाल इससे पूछेगा आपसे। इसके साथ साथ मित्रों, संचार माध्यम और हिंदी, कंप्यूटर और हिंदी, दोनों में क्या संबंध है, क्या आज हिंदी कंप्यूटर के साथ कदम मिला के चल रही है, या उसमें किस टंकड़ मतलब टाइप करने में किसी प्रकार की कोई दुर्व्यवस्था आती है, क्या आसान है, इन सारी चीजों का मूल्यांकन भी हम आप इसी यूनिट के अंतर्गत करेंगे। मित्रों, हिंदी की संवैधानिक स्थिति क्या है, भारत कहां तक, भारत में इसकी संवैधानिक स्थिति कहां तक पहुंच पाई है, हिंदी को किस प्रकार का दर्जा प्राप्त हुआ है, आज सारी चीजों पर हम आप व्यवस्थित बात करेंगे। इसके बाद देख दिया है देवनागरी लिपि, विशेषता और नामकरण, देवनागरी नाम कैसे पड़ा, उसके पीछे उसके क्या तथ्य थे, उसके क्या कारण थे और उसकी क्या विशेषता थी, उसकी मानवीकरण यानी भारतीयता में, संस्कृत और सभ्यता में किस प्रकार से ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, आमराइक लिपियों का विकास हुआ, उसमें देवनागरी लिपि ही भारत की सर्वश्रेष्ठ लिपि बनते हुए समस्त
भाषाओं की जननी थी, जबकि कुछ और भी लिपियां मिलती हैं, जैसे द्रविड़ की बात करें, मलयालम की बात करें, तो इनकी अलग अलग लिपियां हैं, लेकिन इन सबों के बाद भी देवनागरी लिपि भारत में उपस्थित होती है और संपूर्ण भारत में देवनागरी लिपि, चाहे वो संस्कृत की बात करें, नेपाली की बात करें, मराठी की बात करें, हिंदी की बात करें, इन सबों में देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ और अपनी इसने सर्वश्रेष्ठता को जग जाहिर किया। मित्रों, यूनिट एक तो यही समाप्त होती है। यूनिट दूसरी अगर हम बात कर लें, बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। क्यों? क्योंकि यूनिट दो हम लगातार पिछले विगत 5-6 वर्षों से लगातार पढ़ा रहे हैं। कुछ नहीं है, हिंदी साहित्य की पद्धतियां हैं, हिंदी साहित्य के दर्शन हैं, हिंदी साहित्य का उद्भव है, हिंदी साहित्य का नामकरण है, हिंदी साहित्य का काल विभाजन है, हिंदी साहित्य के संदर्भ में विद्वानों के कथन और उसकी सूक्तियां हैं। इसके साथ साथ हिंदी साहित्य में गद्य का उद्भव कैसे हुआ, नाटक की उद्भव कैसे हुआ, जैसे कि रामचंद्र शुक्ल बड़े साफ शब्दों में कह दिया है कि विलक्षण बात यह है कि गद्य की शुरुआत वास्तव में नाटकों से होती है। तो नाटक विधा का जन्म कैसे हुआ, उपन्यास क्या था और कैसे हुआ, पहला उपन्यास क्या था। अगर अन्य निबंध की बात करें, आलोचना की बात करें, आपको रेखा चित्र की बात करें, संस्मरण की बात करें, या अन्य अन्य अलग अलग विधाएं जो हिंदी की हैं, उन समस्त विधाओं को ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपका यूनिट 2 है। दूसरा है इकाई 2 है। आप इस 2 को पढ़ने के बाद आपको बेहतर महसूस होने लगेगा, क्योंकि इसमें कहानियों को देखना है, हिंदी नाटक निबंध आलोचना को देखना है। मजे की बात आपसे मैं बताऊं, मजे की बात तो यह है कि इसमें हमें जो देखना है वो 2000 तक ही देखना है, यानी 20 साल 2020 में हम पहुंचे हैं, 20 साल का रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। 2020 तक की रचनाओं और साहित्यिक प्रवृत्तियों, उसकी पद्धतियों, उसके विकास, उसकी सीमाएं, उसके वाद, उसके संप्रदाय, उसकी लिखित लेखन शैली आदि का मूल्यांकन हम आप करेंगे। मित्रों, इसके अतिरिक्त इकाई 3 पे आते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। हम शुरुआत भी यहीं से करेंगे। अगर आप सब चाहें, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी करूं, कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, क्रम से मिलेगा, आप यूनिट 1 से शुरू करूंगा। चलिए यूनिट 3 पर, इकाई 3 पर देखते हैं। यह कह रहा है इकाई 3 क्या कह रहा है, जरा देखें इकाई 3 क्या कह रहा है। साहित्य शास्त्र की बात कर रहा है इकाई 3। 2 की चर्चा मैं कर चुका, इकाई 3 क्या कह रहा है, साहित्य शास्त्र बता दो, साहित्य शास्त्र बतला दो। महत्वपूर्ण इसलिए ये हो जाता है, क्योंकि जब इसकी जानकारी किसी भी व्यक्ति को हो जाए तो ना केवल वो पाणिन कहा जा सकता है, बल्कि किसी भी भाषा को और किसी भी संस्कृत को, किसी भी सभ्यता को और किसी भी साहित्य को मजबूती देने के लिए, जिस प्रकार से अगर आपको भाषा का ज्ञान होन करना है तो सबसे पहले व्याकरण जानना होगा। यद्यपि आप साहित्यिक व्यक्ति हैं तो सबसे ज्यादा और सबसे बेहतर आपको कार्य कहां करना होता है, साहित्य शास्त्र पर करना होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको पता चलता है कि रस की उत्पत्ति कैसे हुई, नाटक की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या कह करके उसको और मजबूत करने का कार्य किया, काव्य गुण क्या है, काव्य दोष क्या है, तमाम प्रकार के जो भारतीय 6 सिद्धांत हैं, औचित्य संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, रस संप्रदाय, नाट्य संप्रदाय, ये जितने संप्रदाय हैं, अलंकार संप्रदाय, तो ये रस संप्रदाय को ही नाट्य संप्रदाय भी कहा जा सकता है, तो ये जो जितने संप्रदाय 6 हैं, रीति संप्रदाय, ये जो जितने भी संप्रदाय, इन सारे संप्रदायों का वास्तविक मूल्यांकन करेंगे, इस पर आधारित प्रश्नों को भी हम आप देखेंगे जबरदस्त ढंग से हम देखते हैं। अब देखिए, इसने सबसे पहले आपसे क्या पूछा है, इसने सबसे पहले आपसे पूछ लिया है कि काव्य के लक्षण क्या होते हैं। सबसे पहले काव्य के लक्षण क्या है। अब हम देखेंगे कि काव्य के लक्षण क्या क्या हैं और कैसे इनका जन्म हुआ, सबसे पहले किस कवि ने काव्य के लक्षण की बात की। इसके बाद दूसरी चीज इसने पूछ लिया है, काव्य हेतु क्या होते हैं, काव्य हेतु के बारे में पूछा है, यानी कारण, काव्य लिखने के कारण कितने होते हैं, इन सभी का मूल्यांकन हम अवश्य करेंगे। अच्छा, इसके अतिरिक्त भी देखें तो आप पाएंगे काव्य प्रयोजन को भी हम आप अवश्य देखेंगे। मित्रों, अब प्रमुख संप्रदायों में रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, इसके बाद रीति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय और औचित्य संप्रदाय, का मूल्यांकन भी होगा।
इन छवों संप्रदायों के बाद महत्वपूर्ण जनरलाइजेशन किसे कहते हैं, साधारणीकरण आप जानते हैं, रस निष्पत्ति, रस निष्पत्ति को लेकर के चारों विद्वानों का वास्तविक जो अध्ययन था, जो विश्लेषण था, उस पर बेहतरीन चर्चा हम आप करेंगे कि कैसे रस निष्पत्ति की बात हुई, भट्ट लोलट ने क्या कहा, भट्ट संकुक ने क्या कहा, भट्ट नायक ने क्या कहा और अभिनव गुप्त ने क्या किया, इन सबों का उल्लंघन होगा, रस निष्पत्ति की बात हम कर लेंगे। एक और चीज इसी में पूछा यूनिट में, साधारणीकरण पूछ लिया है, साधारणीकरण, साधारणीकरण को भी लेकर के आ रहा हूं मित्रों। इसके अतिरिक्त प्लेटो के सिद्धांत को पूछा है, अरस्तु के सिद्धांत को पूछा है, और इसके साथ साथ पूछा है वर्ड्सवर्थ का काव्य सिद्धांत, कॉलरिज का काव्य सिद्धांत, कॉलरिज का, टी एस एलियट का काव्य सिद्धांत और आई ए रिचर्ड्स महोदय का काव्य सिद्धांत, जिसमें मूल सिद्धांत और संप्रेषण सिद्धांत को विशेष तवज्जो दिया है। इस यूनिट में महत्वपूर्ण होगा कि आप अपने भारतीय छह संप्रदायों के अतिरिक्त आप किसको किसको जाने, प्लेटो को जाने, किसको किसको, प्लेटो को जाने, आप जान पाएंगे अरस्तु को, आप जान पाएंगे एलियट को, आप जान पाएंगे रिचर्ड्स को, आप जान पाएंगे वर्ड्सवर्थ को, इन सबों का अध्ययन हम आप करेंगे, कॉलरिज महोदय को भी, कॉलरिज, कॉलरिज महोदय का भी हम आप अध्ययन करेंगे। तो इन महोदयों को जब हम आप अध्ययन कर रहे होंगे तो एक दृष्टि विकसित होगी, एक विशेष वैचारिक भूचाल उत्पन्न हो जाएगा कि वास्तव में हम भारतीय किस लेवल पे हैं, क्या हमारे यहां सत्यम शिवम जो सुंदरम सिद्धांत था वो ज्यादा बेहतर था विदेशियों से, या उन विदेशियों की मांशलवाद पर आधारित काव्य कृतियां या मानसिक विश्लेषण करते हुए उनकी कृतियां कितनी प्रभावित करती हैं काव्य को, वर्ग साहित्य को, इन सभी का वास्तविक मूल्यांकन और विश्लेषण हम आप कर पाएंगे। आइए, अब बहुत महत्वपूर्ण है यूनिट चार, इकाई चार आपकी बहुत महत्वपूर्ण है। उसका सबसे बड़ा कारण है, आपसे मैं बताना चाहूंगा, अब आपसे मैं यूनिट चार की बात करता हूं, इकाई चार की बात करने का महत्वपूर्ण कारण है, इकाई चार बहुत ही वैचारिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। सबसे महत्वपूर्ण इसने पहले पूछा है कि हमें आप बताइए भारतीय नवजागरण कब हुआ, या भारतीय नवजागरण किसे कहते हैं। तो यहां सबसे पहले मूल्यांकन हम लोग करेंगे राजा राम मोहन राय का, राजा राम मोहन राय का, और उनसे संबंधित व्यक्तियों के और उनके द्वारा किए गए कार्यों को जानकारी, और भारतीय नवजागरण के उद्भव की कथा को हम आप जानेंगे। इसके अतिरिक्त हम चलें तो स्वाधीनता, दूसरी स्वाधीनता आंदोलन भी हमें आपको जानना है, स्वाधीनता, स्वाधीनता आंदोलन को भी हमें आपको जानना है। स्वाधीनता आंदोलन भारत में कैसे कैसे हुए, उसके पीछे कितनी भाषाई शक्ति थी एकजुटता करने के लिए, लोगों को बात पहुंचाने के लिए, इन सारी चीजों का अध्ययन हम आप करेंगे। अब देखिए तीसरा महत्वपूर्ण है हिंदी नवजागरण। अब यहां पर खड़ा हो जाता है प्रश्न कि भारतीय नवजागरण से क्या अलग था हिंदी नवजागरण, बिल्कुल अलग था। इसकी नवजागरण कब शुरुआत होती है और इसकी शुरुआत कब होती है, ये दोनों दो विषय हैं, इन सभी का मूल्यांकन करना है मित्र। और इसके साथ साथ अगली बात कहा है खड़ी बोली आंदोलन, खड़ी बोली आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई और इसका विकास कैसे, चार डग हमने भरा तो क्या किया, चार डग हमने भरा तो क्या किया, है पड़ा मैदान कोसों का अभी,
मित्रों है पड़ा मैदान कोसों का। अभी खड़ी बोली के संदर्भ में किसी शास अंबिका दत्त व्यास महोदय ने इस बात को कहा था कि अभी खड़ी बोली ने केवल चार ही डग तो भरे हैं, पूरा बड़ा मैदान है कोसों का। तो निश्चित तौर पर हमें यहां पर खड़ी बोली आंदोलन की धज्जियां भी उड़ानी होगी। इसके बाद महत्वपूर्ण है गद्य लेखन में, गद्य के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज। क्या फोर्ट विलियम कॉलेज? ध्यान देंगे, फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 ईस्वी में भारत में स्थापित हुआ और इसने किस प्रकार से हिंदी भाषा को प्रभावित किया, उर्दू भाषा क्या इसकी पक्ष में थी, हिंदुस्तानी भाषा, दक्षिणी भाषा आदि का मूल्यांकन यहीं पर होगा। इतना तक तो ठीक है मित्र। अब सबसे महत्वपूर्ण चीजें आ रही हैं, वो क्या सामने आ रही हैं? भारतेंदु और हिंदी नवजागरण। ध्यान दीजिएगा, और हिंदी नवजागरण, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हिंदी नवजागरण का नाम लें और भारतेंदु का नाम न आए, यह संभवतः उचित नहीं होगा। कारण कि हिंदी नवजागरण का अग्रदूत या अगुआ भारतेंदु जी स्वयं थे, ये चीज होना चाहिए। जिस प्रकार से भारतीय नवजागरण की अग्रदूत कौन थे, राजा राम मोहन राय थे, वैसे ही हिंदी नवजागरण की शुरुआत करने वाले कोई और नहीं बल्कि भारतेंदु जी थे। इसके बाद जागरण सुधार काल के पुरोधा व्याकरण के व्याकरण सम्मत करने वाले हिंदी भाषा को महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी नवजागरण यह भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, हम लोग इसका भी विश्लेषण करेंगे कि इस नवजागरण में जो कि भारतेंदु की यहां था, क्या क्या परिवर्तन आए थे, क्या क्या चीजें थी, इत वृत्तात्मकता यहां जब आई और यहां पर राष्ट्रीयता का भाव प्रबल था, इस यहां की राष्ट्रीयता और यहां की राष्ट्रीयता में क्या अंतर था, यह बताऊंगा मित्रों। निश्चित तौर पर इन सारी चीजों का मूल्यांकन होगा। इसके बाद महत्वपूर्ण वैचारिकी ऊपर किस प्रकार से प्रश्न पूछेगा यह भी बताऊंगा। जैसे कि इसमें महत्वपूर्ण पूछा है गांधी का दर्शन, क्या पूछा है, गांधी का दर्शन आपको बताना है। तो महत्वपूर्ण चीज है गांधीवादी दर्शन क्या था या गांधी का दर्शन क्या था, इस चीज को हम जानेंगे। इसके साथ साथ कुछ और प्रश्न महत्वपूर्ण इसमें पूछा है, जैसे इसमें बोला है कि हमें बताएंगे आप अंबेडकर, क्या अंबेडकर दर्शन क्या था, अंबेडकर जी ने इस दर्शन को किस प्रकार से दिया था, इन सारी चीजों का मूल्यांकन हम आप करेंगे। इसके महत्वपूर्ण एक और है दर्शन जिसे हम आपको बताएंगे, जिसे कहा जाता है लोहिया दर्शन, क्या कहा जाता है, लोहिया दर्शन। तो लोहिया दर्शन क्या था, इसके साथ साथ कुछ विदेशी दर्शनों को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। जैसे इसमें पूछा है कि मार्क्सवाद क्या है, मनोविश्लेषणवाद क्या है, इसका जनक क्या था, कौन थे, मनोविश्लेषणवाद। मित्रों हिंदी में मार्क्सवाद की उत्पत्ति कहां होती है, किस युग में होती, बताऊंगा इस सारी चीजों का, किस प्रकार से मार्क्सवाद प्रगतिवाद में आ जाता है या प्रयोगवाद में आता है, प्रयोगवाद में कोई सिद्धांत था तो प्रगतिवाद में कौन सा था, या छायावाद में रहस्यवाद चल रहा था या कोई और चल रहा था, इन सभी वादों का हम लोग विधिवत अध्ययन करेंगे मनोविश्लेषण के बाद। इसके बाद हम आप देखेंगे अस्तित्ववाद, बहुत इंपॉर्टेंट है अस्तित्ववाद जो दर्शन है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसका भी हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है उत्तर आधुनिकतावाद क्या है, आधुनिकता के बाद उत्तर आधुनिकता क्या है, इन सभी चीजों का मूल्यांकन इसी में होगा। अस्मिता मूलक विमर्श भी कुछ आ चुके हैं, जैसे कि मैं जब पढ़ाता हूं ऑफलाइन क्लासों में तो इसके संदर्भ में मैं ऐसा जुनून पैदा कर देता हूं और आपसे वादा करता हूं आपको भी आनंद आ जाएगा। मित्रों अस्मिता मूलक संघर्ष की विमर्श की बात करें तो इसमें स्त्री विमर्श क्या है, स्त्री विमर्श की क्या मांगे हैं और स्त्री विमर्श किस परिपाटियों पर साहित्य लेखन कर रहा है, इन चीजों का मूल्यांकन हम आप करेंगे। इसके साथ साथ स्त्री विमर्श के अतिरिक्त अगर हम देखें दलित साहित्य क्या है, दलित को दलित ही क्यों कहा गया, दलित लेखन वाले क्या किसी विशेष कैटेगरी से आते हैं, क्या दलित और परंपरावादी साहित्य में कुछ मूलभूत अंतर है, और दलितों का साहित्य यद्यपि लिखा गया तो उसकी क्या मांगे थी, उसकी क्या दर्शन
थे, उसके क्या आधार थे, इन सारी चीजों का वास्तविक मूल्यांकन हम लोग करेंगे। चलें अगर आगत देखें, आदिवासियों की क्या मांगे हैं, आदिवासियों के साहित्य में क्या भारतीय परंपरागत साहित्य को कोई झटका लग रहा है या उससे हमारा हिंदी साहित्य या भारतीय साहित्य मजबूत हो रहा है आदिवासी साहित्य से, यह बिल्कुल बताने की कोशिश करूंगा। मित्रों, इसके साथ साथ अल्पसंख्यक समाज के द्वारा भी अपने साहित्य का नवनिर्माण हो रहा है, उसके महत्व को, उसके महत्वपूर्ण चीजों को और उसके साहित्य के थोड़ा विवरण को हम लेकर के प्रस्तुत हो रहे हैं। ये तो हो गई यूनिट 4। अगर अब हिंदी कविता की बात करें यूनिट 5 पे, बहुत महत्वपूर्ण है, पृथ्वीराज रासो रेवा तट का, वो आपको लेकर आ रहा हूँ, सब कुछ बताने जा रहा हूँ। अमीर खुसरो की पहेलियाँ और उसकी मुकरियाँ हैं, विद्यापद की पदावली है जो कि 125 है, कबीर की 160 से 209 जो कि हजारी प्रसाद द्वारा संपादित है, ये सभी जितना यूनिट 5 में दिया है सब के सब लेके आ रहा हूँ। यूनिट 6 की बात करें तो उपन्यासों में महत्वपूर्ण उपन्यासों को मैं ये बताऊंगा कि उसके पात्रों के द्वारा 25 या 30 महत्वपूर्ण कथन कौन से हैं, इसके साथ साथ पात्रों का महत्व क्या था, उस उपन्यास लिखने के दर्शन क्या थे और उसके कारण क्या थे और वह उपन्यास भारतीय समाज को कहां तक प्रभावित किया, इन सारी चीजों का बात की बात हम उपन्यास में करेंगे यूनिट नंबर 6 पर। यूनिट में परीक्षा गुरु क्या है, गोदान का महत्वपूर्ण विश्लेषण करेंगे, गोदान में पात्रों का और वहां पर बोलेंगे महत्वपूर्ण कथनों का, उसके दर्शन को भारतीय समाज में, भारतीय साहित्य में या हिंदी साहित्य में या हिंदी साहित्य के उपन्यासों में गोदान का क्या महत्वपूर्ण स्थान है, वो सब बात हम आप करेंगे। मित्रों, ऐसे ही एक जीवनी मनोविश्लेषणवाद का महत्वपूर्ण मनोविश्लेषणवाद आपसे मैंने बोला था, मनोविश्लेषणवाद के संदर्भ में देखा जाए तो मनोचिकित्सक कह सकते हैं अज्ञेय जी को, तो उन्होंने किस प्रकार से शेखर एक जीवनी को लिखा है, उसके पूरे मूल्यांकन को, उसके पूरी व्याख्या को लेकर आ रहा हूं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की बाण भट्ट की आत्मकथा है, उसमें किस प्रकार से इन्होंने आत्मकथा लिखने की शुरुआत की, उसके पीछे पूछे गए तमाम कथनों और उसके कारणों को लेकर के आ रहा हूं। फणीश्वरनाथ का मैलांचल बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है, इन सभी का झूठा सच, मानस का हंस, तामस, राग दरबारी, जिंदगी नामा, आपका बंटी, धरती धन अपना, इन समस्त महत्वपूर्ण उपन्यासों का विश्लेषण होगा, मूल्यांकन हो पाया उस पर आधारित, कम से कम 200-300 एक एक उपन्यासों पर 200-300 महत्वपूर्ण प्रश्नों को दूंगा ही, और जब मैं आपको पढ़ा रहा हूंगा तो एक एक उपन्यास से कम 40 से 50 कथन होंगे और उस पर पात्रों के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कथनों के अतिरिक्त उन पात्रों के महत्व को बताऊंगा और साहित्यकार ने उसकी पृष्ठभूमि क्यों चुनी, उसी विषय को क्यों चुना, इन सभी का मूल्यांकन होगा आपकी क्लास में। इकाई 7 की बात कर ले मित्र, इकाई 7 कहानियों पर आधारित है, कहानियां भी ऐसी हैं जो मन को झकझोर देती हैं और वास्तविक संसार से सरोकार करा देती हैं, वास्तविक संसार किस प्रकार से बदला और साहित्य चूंकि समाज का दर्पण है, ये बात महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा ही है, तो कहानियों से पता चलता है तत्कालीन समाज किस प्रकार का था और इस समय जो कहानी लिखी जा रही थी वो किस प्रकार अपने समाज को परिभाषित करती है, उनके पात्र क्या है, उनमें प्रश्न कैसे बन सकते हैं, कितने सर्ग थे, कहानी लिखने का संग्रह क्या था, हिंदी की कहानी प्रथम कहानी और कहानी प्रथम कहानी संग्रह से लेकर के इस कहानी तक, परिंदे, निर्मल वर्मा की परिंदे तक की कथा हम आप बात करेंगे। मित्रों, चंद्रदेव से मेरी बात है, दुलाई वाली, एक टोकरी भर मिट्टी, राही, ईदगाह, दुनिया का अनमोल रत्न, कानों में कंगना, उसने कहा था आकाश देव, अपना भाग्य, अपना अपना भाग्य, तीसरी कसम, लाल पान की बेगम, गैग्रीन, कोसी का घटवार, अमृतसर आ गया, चीफ की दावत, सिक्का बदल गया, इंस्पेक्टर, माता दिन चांद पर, पिता, राजा निर्वंशिया और परिंदे, इन महत्वपूर्ण अगर हम देखें कहानी को लेकर के आपके सामने आ रहा हूं। ये सब तो यूनिट 7 हो चुकी हैं। मित्रों, अब बढ़ते हैं अपने हम लोग पाठ्यक्रम के अंतिम सिरे पर यूनिट 8 में, अगर और देखें यूनिट 8 चूंकि नाटकों पर आधारित है, यूनिट 8 आपके नाटकों पर आधारित है, ऐसे नाटक का विश्लेषण करेंगे जैसे कि इसमें दिया है कि आप बताएं भारतेंदु की अंधेरी नगरी और भारती भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी किस प्रकार का प्रहसन है, इस प्रहसन के द्वारा, इस व्यंग के द्वारा उन्होंने भारतीय समाज को किस प्रकार से दिखाने की कोशिश किया है, भारतेंदु जी ने इस नाटक के द्वारा क्या बताने की कोशिश की है, इन सारी चीजों को अवश्य बताऊंगा। जयशंकर प्रसाद अपने जीवन में कभी भी रंगमंच के लिए नाटक नहीं लिखे, बल्कि उन्होंने कहा कि रंगमंच नाटक के
लिए होना चाहिए, इस अपने सिद्धांत पर काम करते करते आखिरकार हार कर जयशंकर प्रसाद किस प्रकार से धूमसावनी को रंगमंच के लायक बना दिया, के लिए नहीं बनाया, के लायक बना दिया, यह महत्वपूर्ण चीजें। चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त में महत्वपूर्ण बात क्या है, इन सारी चीजों के महत्वपूर्ण चीजों को लेकर के आपके सामने आ रहा हूं। धर्मवीर भारती की बात करें तो अंधा युग किस प्रकार से महत्वपूर्ण एक नाटक है जिसमें युद्ध की विभीषिका को बताने की कोशिश किया है कवि ने, इस सारी चीजों को लेकर आऊंगा। लक्ष्मण नारायण लाल का सिंदूर की होली की भी लेकर आ रहा हूं। मोहन राकेश के आधे अधूरे किस प्रकार से मध्यम वर्गीय परिवार के उहापोह और संघर्ष की कथा को इन्होंने कहा है। अषाढ़ एक दिन जिसमें एक कवि के वास्तविक भावनात्मक उद्गम की बात किया है कि उनकी भावनाएं किस प्रकार से जीवित थीं और क्यों मर गईं, किस प्रकार से अपने जब उन्होंने वास्तविक स्वरूप को प्राकृत रूप को जब उन्होंने छोड़ा तो उनका अस्तित्व ही समाप्त हो गया, इस सारी चीजों को लेकर के आषाढ़ एक दिन में हम मोहन राकेश को जब लेकर प्रस्तुत होंगे इन सारी चीजों का अध्ययन होगा। हबीब तनवीर का आगरा बाजार, इसके साथ साथ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बकरी, महत्वपूर्ण यह आपका नाटक है, इसको भी हम आप बात करेंगे। शंकरशेष का एक और द्रोणाचार्य, उपेंद्रनाथस का अंजो दीदी और मंडू भंडारी का महाभोज, ये महत्वपूर्ण नाटकों को लेकर के आ रहा हूं और इनका विश्लेषण भी होगा। मित्रों इकाई नंबर अगर 9 की बात करें तो इसमें निबंध की बात हुई है, निबंध लेखन क्या है, निबंध में ललित निबंध किसे कहते हैं, सामासिक निबंध क्या होता है, वैचारिक निबंध क्या होता है, इन सारी तुलनात्मक निबंध क्या होता है, इन सारी चीजों को हम लेकर के आ रहे हैं। दिल्ली दरबार दर्पण, भारतवर्ष उन्नत कैसे हो सकती है, शिवमूर्ति प्रताप नारायण मिश्र जी की, शिव शंभु के चिट्ठे कविता क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, मजदूरी और प्रेम, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, उठ जाग मुसाफिर, संस्कृत और सौंदर्य, महत्वपूर्ण निबंधों का विश्लेषण करूंगा कि इन निबंधों से प्रश्न कैसे पूछेंगे, इनकी वैचारिक पृष्ठभूमि क्या थी और इनके लिखने के भारतीय उद्देश्यपूर्ण महत्व क्या है, इन सारी चीजों को हम मूल्यांकित करेंगे। मित्रों इकाई नंबर 10 की बात करें और ये अंतिम इकाई है, इसमें महत्वपूर्ण आत्मकथा जीवनी तथा अन्य गद्य विधाओं का हमें आपको अध्ययन करना है। जैसे राम वृक्ष बेनीपुरी की माटी की मूर्तें, महादेव वर्मा की ठकुरी बाबा, तुलसी राम की मुर्दहिया, शिवरानी देवी की प्रेमचंद घर में, मंडू भंडारी की एक कहानी यह भी, विष्णु प्रभाकर का वारा मसीहा, हरिवंश राय बच्चन का क्या भूलूं क्या याद करूं, रमणिका गुप्ता की आपहुदरी और हरिशंकर परसाई का भोला राम का जीव, दिनकर का संस्कृत के 4 अध्याय और कृष्णचंद्र का जामुन का पेड़ और मुक्तिबोध का एक लेखक की डायरी, राहुल सकृत्यायन की मेरी तिब्बत की यात्रा, अज्ञे की अरे यायावर या रहेगा याद, महत्वपूर्ण इन समस्त विधाओं पर हम अपना मूल्यांकन और अपना संपूर्ण ताकत झोंकने जा रहे हैं। आपको पूरी तरह से नेट ज़ियारत की तैयारी कराने की जो मैंने मेरी मंशा थी वो सब को लेकर के उपस्थित हो रहा हूं। मित्रों इन सब के अतिरिक्त आपको मैं देने चल रहा हूं टीजीटी पीजीटी की क्लास, अलग-अलग टीजीटी की अलग दूंगा, पीजीटी की अलग दूंगा, नेट ज़ियारत की अलग दूंगा। सब वजह है कि अगर आप इस चीजों को बिल्कुल पारदर्शिता के साथ देना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है इन सबों को अलग अलग आपको प्रस्तुत करना होगा। तो जी हाँ, उसी चीज को ध्यान में रखते हुए आइए देखते हैं, टीजीटी पीजीटी वाले बहुत महत्वपूर्ण बात समझेंगे। पहले हम टीजीटी की बात करें, फिर हम बात करेंगे पीजीटी का। महत्वपूर्ण चीजें क्या हैं टीजीटी में, आपको हिंदी साहित्य का वह रूप चाहिए जो बहुत ही आसान हो और जिससे प्रश्न बने। हिंदी साहित्य की बहुत गहराई में नहीं जाना और इसके साथ साथ हमें आपको पढ़ना है काव्य शास्त्र में वही 6 संप्रदाय आदि सारी चीजें, और हमें आपको यहां व्याकरण बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, हिंदी व्याकरण ज्यादा जरूरी पढ़ना है क्योंकि सिलेक्शन यही देता है और बाहर कर देता है। इसके साथ साथ संस्कृत व्याकरण हम आप देखेंगे, संस्कृत व्याकरण के साथ साथ संस्कृत साहित्य का भी अध्ययन हम आप कर लेंगे। मित्रों
इन सबों के अतिरिक्त पीजीटी में महत्वपूर्ण क्या है, यही जो हिंदी साहित्य का इतिहास है जो कि आपने एक बारगी पढ़ा है, इसी का पूरी गहराई से विश्लेषण पीजीटी में हो जाता है। तो आपको पूरी तरह से पीजीटी का जो सिलेबस है, संस्कृत के साहित्य में एक दो कवि यहां ज्यादा हैं, इन सभी का मूल्यांकन आपके सामने लेकर आ रहा हूं। तो टीजीटी पीजीटी के महत्वपूर्ण जितने भी प्रश्न होते हैं, महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स होते हैं, सारा का सारा क्रमबद्ध तरीके से आपको मिलने जा रहा है। तो इंतजार करिए, आ रहा हूं आपके पास। केवल 4 दिन का मौका है। आप 4 दिन में यद्यपि एडमिशन लेते हैं तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। मिलते हैं आप सबके कोर्स के साथ, लॉन्च हो रहा है, उसे स्वागत करिए और आप सब घर बैठे पढ़ाई जरूर कर लीजिए, क्योंकि 2020 में संभव नहीं है कि क्लास ऑफलाइन चल सके। तो आपकी तैयारी बरकरार रहे, आप अपने आप को मजबूत कर सकें, इन विविध बातों को ध्यान में रखते हुए ये ऑनलाइन क्लास आपको देने चल रहा हूं। आशा है आप सबकी मदद होगी, आप सबकी परीक्षा क्वालिफाई करने में मेरा सहयोग हो सकेगा। और बहुत बहुत शुक्रिया आपने लास्ट तक जो वीडियो को देखा। तो मिलते हैं पूरे कोर्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदी।